हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में मैं सांझी माता में कलरिंग करूंगी। ये सांझी माता की वीडियो मैंने कल आपके साथ शेयर की थी, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो सबसे पहले मैंने ये कुछ कलर्स लिए हैं, ये कैमरिक कलर्स हैं और ये कुछ वाटर कलर्स हैं। और मैंने ये तीन शेप के ब्रश लिए हैं, ये 0 नंबर का ब्रश है और ये 10 नंबर का ब्रश है और ये एक नॉर्मल फ्लैट ब्रश है। और मैंने लिया है थोड़ा सा पानी और एक कलर ट्रे, और ये हल्की सी ना टूट गई थी तो इसको मैंने फेविबॉन्ड से चिपका लिया है। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। तो सबसे पहले हम वाइट कलर से पूरा बेस तैयार करेंगे। तो वाइट कलर का एक कोट करने के बाद अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप सेकंड कोट भी कर सकते हैं। वाइट कलर का बेस हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वाइट कलर करने के बाद जब भी हम इस पर कोई और कलर करेंगे तो वो काफ़ी अच्छे से उभर कर आएगा। तो जब ये वाइट कलर पूरा सूख जाए हम तब इसमें कोई और कलर शुरू करेंगे। वाइट कलर करने के बाद ये सूख चुका है और अब मैं सबसे पहले साड़ी में कलर करूँगी। तो मैंने इसके लिए डार्क पर्पल कलर और वाइट कलर को मिक्स कर लिया है। साड़ी के घेरे के साथ साथ पल्लू में और ब्लाउज़ में भी मैं सेम ही कलर कर रही हूँ। और बॉर्डर्स के लिए मैंने डार्क ग्रीन कलर का यूज़ किया है। बूटियां मैंने बनाई थी इस पर भी मैं ग्रीन कलर ही कर रही हूँ।
इन वाली बूटियों में मैं 2 या 3 शेड्स यूज़ करने वाली हूँ। जब तक ये वाले कलर सूखते हैं तब तक मैं स्किन कलर भी कर देती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर जो मैं कलर करूँगी उसके लिए ये कलर सूखे होने ज़रूरी हैं। और पर्पल दोनों शेड से मिक्स ही मैं चूड़ी बनाऊंगी। फ्रेंड्स, अब साड़ी का कलर जो है वो सूख चुका है। अब मैं इसके ऊपर गोल्डन से फाइनल टच दूंगी और गोल्डन से टच देने के बाद ये साड़ी का लुक बहुत सुंदर आ रहा है। अब जो ये ज्वेलरी मैंने बनाई थी इस पर मैं गोल्डन येलो कलर कर रही हूँ, और ये मुझे इस पैलेट में ही मिला था। ये जो कलर पैलेट है इसी में ये आता है, मैं वही कलर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि येलो कलर और गोल्डन कलर ये दोनों नहीं है, दोनों का मिक्स कलर है। अब फेस की आईब्रोज़ और आईज़ वगैरह को बनाने के लिए आप सबसे जो पतला वाला ब्रश था 0 नंबर वाला उसी को यूज़ करें, मोटे ब्रश से ये ठीक से नहीं बन पाती हैं। जब तक ये सूखता है तब तक मैं सन में भी कलर कर रही हूँ, और इसमें मैंने ऑरेंज और येलो कलर को मिक्स करके तो बीच में फिल किया है, और इसकी जो ये लाइंस हैं, जो किरणें हैं, इसको बनाने के लिए मैंने ऑरेंज कलर और येलो कलर की अलग अलग लाइंस बनाई हैं।
जब तक सन का कलर सूखता है हम हेयर्स में भी कलर कर लेते हैं। और आपको कलरिंग कुछ इसी तरह करनी पड़ेगी कि जिस जगह कलर सूख जाए आप उधर पहले फिनिशिंग करें, फिर जहाँ का सूख जाए फिर उसको करें, क्योंकि अगर आप एक ही चीज़ को पूरा फिनिश करना चाहेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। अब जो चंद्रमा है इसको हमें वाइट ही रखना है, तो इसलिए मैं इस पर वाइट कलर दोबारा सेकंड बेस लगा रही हूँ। और इसी तरह मैं जो ये हमने नोरते बनाए हैं इस पर भी सेकंड कलर जो है वाइट से ही एक और कोट लगा रही हूँ। तो अब ये बर्ड्स में मैं ब्लू कलर कर रही हूँ। और ये जो नोरते हमने बनाए हैं आप इसको किसी भी कलर से और कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। अब इनका मुकुट भी मैं गोल्डन कलर से ही कलर करूंगी और एक छोटा सा नजर का टीका भी लगाऊंगी। बर्ड्स को मैंने पिकॉक का लुक दिया है, इसलिए इनके जो फेदर्स हैं उस पर ग्रीन, स्काई ब्लू इस टाइप के कलर्स ही मैं कर रही हूँ। मैंने अभी एक काला धागा लिया है और उसको इस तरह से फिंगर्स पर लपेटूंगी माता रानी के बाल बनाने के लिए। आप चाहें तो चोटी गूंथ कर भी लगा सकते हैं, मैं ओपन हेयर्स ही दूंगी तो मैं इस तरह से ही लगाऊंगी। और आप चाहें तो दोनों साइड भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं एक ही साइड लगा रही हूँ और मैं इसे फेविबॉन्ड की मदद से लगा रही हूँ।
कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और मेरी माता रानी कैसी लग रही हैं ये भी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आगे आने वाली सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।